ये देखो, इसको तो कोई होश ही नहीं है। लोगों की बीवी रोज सुबह 6 बजे उठ के उनके लिए खाना बनाती है, देखती है कि पति कहाँ जा रहा है, अच्छे से तैयार है या नहीं, पर्स लिया नहीं, बेल्ट लगाया नहीं, पैंट पहना नहीं। इनको कोई होश ही नहीं है, पति चाहे कुछ करे तो बस सोना है। अरे उठ जा मेरी माँ, उठ जल्दी, कुछ खिला दे, भूख लगी है। अरे उठ जा। उठ जा ना, भूख लगी है, भूख लगी है। ये ऐसे नहीं माने कि लगता है। किसने मारा? अरे मैं हूँ तेरा पति। तेरा पति रोज सुबह ऑफिस जाता है, क्यों नहीं कि कुछ बना के खिला दूँ, पैसे कमा के लाएगा, मुझे खिलाएगा। नहीं, तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है, मुझे तो सोना है, हैं? तूने मुझे मारा? तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हैं? भूखा ही जा रहा हूँ, मर जा तू, मर जा। हाँ हाँ चला जाओ, तुझसे तो लव मैरिज करके मैं पछता रही हूँ। इन्हें देखो, ये अभी तक सो रहे हैं, कितने प्यारे लगते हैं सोते हुए। मन ही नहीं कर रहा कि इन्हें उठाऊं, पर उठाना तो पड़ेगा। राहुल, राहुल उठ जाओ, जॉब पर नहीं जाना। ये लो चाय। अरे वाह, चाय तो बड़ी मीठी है। अच्छा ठीक है, आप पी लो और उठ जाना, मेरे को काम है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ ना, मेरे को काम है, जाने दो। नुकसान अभी से क्या तू साफ करेगा? अरे मैंने कहा नुकसान किया, तुमने किया है। मैंने नुकसान किया है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि सारे नुकसान मैं करती हूँ? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, तो क्या मतलब था तुम्हारा? ये तो स्टील का गिलास था, तो नहीं टूटा, अगर कांच का होता तो टूट जाता ना। तो टूटा थोड़ी है। तो क्या मैं तुम्हारे तोड़ने का वेट करूंगी? फालतू बातें मत करो। हाँ, अब मेरी बातें भी तुम्हें फालतू लगने लगी। तुम्हारा बस चले, तुम इस घर को भी तोड़ दो, तुम मेरी हड्डियां भी तोड़ दो। मेरे को तो पहले शक था तुम्हारा ना कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। अरे किसको पसंद आएगा वो सड़ा सा खाना, वो दाल नहीं पानी है, पानी। अच्छा, वो तुम्हें दाल नहीं पानी लगती है? मेरे ना घर वाले सही कहते थे, मैंने तुमसे शादी क्यों कर ली, अगर मैं उनकी सुन लेती ना तो अच्छे लड़के से मेरी शादी होती, तुम्हारे से शादी होकर तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। तुम ना अब यहाँ नहीं रहोगे, निकलो। अरे नहीं बेबी, नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। ना बेटा ना, अब मैं नहीं सुनने वाली, तू निकल बाहर, चल। बेबी इनके साल का रिश्ता ऐसे माफ कर दे एक बार। हो गया तेरा साथ। तेजू, एक गिलास पानी लाना।
है तुम्हारा, सारा पानी फैला दिया। मैं तो पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके। तो अपने घर वालों को मना करा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, मेरे घर वालों को पता नहीं किस बात की आग लगी थी कि तुमसे शादी कराना है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था वो जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई है। जरा सी भी फिक्र नहीं है तुम्हें अपने पति की? इतनी टेंशन में रहता है वो, इतना काम करता है, लेकिन नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती। अब जल्दी से इसे साफ करो और मुझे मेरा काम करने दो। आज तो मजा आएगा बेबी, आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू बेबी, वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ। अरे बहू। हाँ जी माँ जी। मेरा चश्मा कहाँ है? आई लो, आ गया तुम्हारी माँ का बुलावा। अभी ना चश्मा ढूंढ के दो, ऐसे जाऊंगी क्या मैं? इस घर में तो मेरे जीना हराम कर रखा है, सांस लेना तक मुश्किल है मेरे लिए। जाओ अब ढूंढ के दो मेरे चश्मा, जाओ ना। अरे मम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा वो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ के दियो। अरे मम्मी आपके बगल में तो पड़ा है। वो मुझे तो पता ही नहीं चला बेटा। एक मिनट, वो क्यों नहीं आई, तू क्यों आया है? वो मम्मी उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ तबीयत तो उसकी खराब होती है, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। दुनिया की बहुएं घूंघट से बाहर नहीं आती, और एक हमारी बहू को देख लो, छोटी छोटी निकरों में घूमती है, पता नहीं कैसी सी को ब्याह करके ले आया। हाँ अब चला जा, मत्थे मार दी मेरी कल मुई, अब इसको मैं भुगतू, मेरी छाती पे आके बैठी हुई है वो। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो तुम। आप ही नहीं देखते, तुम्हारी साड़ी भी बहुत सुंदर है। अरे बहू। आई मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। अरे बहू मुझे ना मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा बेटा ढूंढ के दियो, कहाँ रख दिया मैंने चश्मा? अरे मम्मी जी आपके बगल में ही तो रखा है। अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया बेटा, कितनी प्यारी बहू मिली है मुझे, इतनी संस्कारी, इतनी सुशील, मेरे तो पाँव खुल गए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी इस घर में, सबको मार दूंगी। सबसे पहले उस बुढ़िया को मारूंगी, फिर उसके बेटे को। बेजी तो नहीं हो गई, बेजी तो नहीं हो गई, बेजी तो नहीं हो गई। तुझे भूत नहीं हो गई, तुझे भूत नहीं हो गई। अरे बेबी तुम नीचे क्या कर रहे हो? इतने महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन ये तेरी आदत नहीं गई लात मारने की। तो मैंने कहा था कि मुझसे शादी करो, तुम्हें तो शादी से पहले ही पता था कि मैं रात को लात मारती हूँ, पर नहीं तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, मेरी और जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ो ये सब, आ जाओ बेबी साथ में सोते हैं। नहीं मैं नहीं सोऊंगा तेरे साथ, मैं नीचे ही सो जाऊंगा रोज की तरह, लेकिन तेरी लात नहीं खाऊंगा। मर मर, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा नीचे, यहां से तू तो नीचे ही मर। Thank you.
यार अब तो एक महीना हो गया शादी को, ये कितना शर्माता है, पर शर्माता हुआ ही अच्छा लगता है। मैं हक कर लूँ क्या इसको? पर यार अपवर्ड तो नहीं हो जाएगा, इसे बुरा तो नहीं लगेगा? पर बुरा क्यों लगेगा यार, मैं तो इसकी बीवी हूँ ना, मेरा तो हक है, कर लूँ। नहीं करती, कर लेती हूँ। एक महीना हो गया हमारी शादी को, एक हक करके सो जाऊँ क्या? लेकिन इसको बुरा लग गया तो? अरे लेकिन इसको बुरा क्यों लगेगा, मैं तो इसका पति हूँ ना। लेकिन अगर बुरा लग गया तो? नाराज हो गई तो? अरे क्यों होगी नाराज, मैं तो इसका पति हूँ ना, इसको हक करके सो ही जाता हूँ। हे गाइस, अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो का बेस्ट पार्ट, और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साइड में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।